देश व प्रदेश में आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री और दतिया के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकर राठेड़ा ने दतिया में 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर स्वतंत्रता दिवस पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गयी। पुलिस लाइन ग्राउंड में राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति से उत्प्रोत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मौके पर दतिया कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर मौजूद थे। के चलते मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण पाने में भी सफल रहा। कोविड संक्रमण से बचाव का एक प्रमुख उपाय है टीकाकरण। मध्य प्रदेश में टीकाकरण को एक जन उत्सव का रूप दिया। भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आजादी का है अमृत महोत्सव भारत के पूजे ना गए शहीद तो फिर यह भी कहां से आएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माते से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती से जुड़े चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद स्थल, टंडा भीम भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सादत खां रानी।